गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव जी का जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। चलिए अब 7 बज गए हैं, गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करने का समय है। हम लोग सत्संग करते हैं सब मिलके, इस समय गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करते हैं, गुरुदेव जी की बात करते हैं। गुरुदेव जी का सत्संग है, उनके सिद्ध योग का सत्संग है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये कि गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव आ रहा है 13 जुलाई को। तो सब जगह पे मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ गुरु जी का स्थान है, जैसे काजलवास धाम है, पलाना धाम है, जोधपुर आश्रम है, कोटा आश्रम है, या जो इतने भी आश्रम है। आश्रमों की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हाँ जोधपुर आश्रम में तो मनाया जाता ही है। और दादा गुरुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ जामसर में कोई प्रोग्राम है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो वो बड़ी मुख्य चीज़ है। तो आप जहाँ भी जाना चाहें गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेने, अगर आपकी परिस्थिति जो है आपको अलाउ करती है जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं कहीं भी इन जगहों पे, और जाके गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वहाँ की ऊर्जा जो रहती है समाधियों की, गुरुदेव जी के स्थान की, वहाँ पर जाके आप वो पॉजिटिविटी वो फील कर सकते हो, गुरु जी का आशीर्वाद। एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती है कि मैं एक जगह आया हूँ जहाँ गुरु जी रहते थे, गुरु जी चले, गुरु जी ने बोला, गुरु जी की आवाज़ है, गुरु जी की वाइब्रेशंस हैं वहाँ पर। तो आपको अच्छा फील होगा अगर आप जा सकते हो। तो अगर नहीं भी जा सकते तो गुरुदेव ने तो कहा ही है कि कहीं जाने आने की ज़रूरत है नहीं, मैं सब जगह हूँ, तो वो तो हमारे हृदय में वास करते हैं। और उनकी जो तस्वीर है वो जीवित तस्वीर है, तो उनको गले से लगा लो तो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी आप सहयोग करना चाहें, सब जगह प्रोग्राम्स होते हैं और सब जगह दीक्षा प्रसादी टेंट वगैरह लगते हैं, माइक वगैरह लगते हैं, तो उन सब का खर्चा होता है, गुरुदेव जी का ही हो रहा है, गुरुदेव जी का ही। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, जहाँ भी आप देना चाहें अपने बैलेंस के हिसाब से या जितना भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर दान जरूर दीजिए इस समय, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम होता है ना। तो हमारे गुरु जी का स्थान जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक उत्सव होना चाहिए, गुरु जी की वाणी गूंजनी चाहिए, वहाँ पे लोग आएँ और लोग दीक्षित हों, लोग जानकारी लें गुरु जी के बारे में। गुरु जी ने कहा कि मैंने अपने शिष्यों को कहा, कम से कम कृपा करके कम से कम इस धर्म में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, हमारे भारत में जो पैदा हुए हैं इस धर्म में, सनातन धर्म में, कम से कम उनको तुम जानकारी जरूर पहुँचाओ, ठीक है। तो ये एक ऐसा उत्सव होता है जिस दिन लोग गुरु को खोजते हैं, क्योंकि उनको पता है गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं, ढूंढते हैं, आसपास कोई गुरु का प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति भी अगर जुड़ता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इस दिन हम जैसा भी सहयोग हो तन मन धन से वो वहाँ पर करें जाके, या किसी के माध्यम से वहाँ पहुँचा दें, ठीक है। तो ये आप करो ज़रूर, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, हर बार एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। गुरुदेव का प्रचार प्रचार सबकी जिम्मेदारी है, और एक एक रुपया बन के ही 100 रुपया बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि कोई व्यक्ति है उसने दे दिया है, मेरा 1 रुपया किस काम का, आपका 1 रुपया भी काम का है, ठीक है। तो जहाँ भी जैसा भी सहयोग हो सके वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वहाँ उस समय नहीं होगी तो आगे किसी प्रोग्राम में हो जाएगी, मेंटेनेंस में होती है, बिजली होती है, ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अभी नहीं, जब मैं पलाना अगर मैं जा सका तो मैं पलाना जाऊंगा, तब मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके लिए सहयोग लगता है, लोग मांगते नहीं क्योंकि
वो मांगते नहीं, क्यों? क्योंकि बदनाम हो जाते हैं लोग, बदनाम पहले कर देते हैं। पैसे को लोगों ने अपना धर्म बना रखा है, पैसे के नाम पे कोई बात कर दे तो वो उसको बदनाम कर देते हैं कि पैसे के पीछे, पैसा ही धर्म है उनका। लेकिन आपको जब सच्चाई पता होगी कि कहाँ कैसे कैसे चल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं और कैसे लोगों की बातों में आके हमने डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। और लोग ले नहीं सकते, लोग मांग भी नहीं सकते, मांगेंगे तो बुरे पड़ जाते हैं, ठीक है। कोई तरीका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई समझता भी नहीं है, इससे बहुत लोगों की मोनोपोली भी सेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक ही आदमी जो बार बार आता है तो वो मोनोपोली हो जाती है उस चीज़ की। सबको मिल के आगे बढ़ना है, सबको मिल के आगे डेवलप करना है गुरु जी का स्थान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। थोड़ा डेवलप होता है ना तो लोग जब आते हैं ना गाँव के तो देखते हैं, नहीं तो वो देखते हैं कि ये तो बंजर बियाबान है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई मान्यता है नहीं है, चार पांच लोग आते हैं। तो जब डेवलप होती है कोई चीज़ तब पता चलता है। अब इस्कॉन टेम्पल्स में देखो जाके, इस्कॉन टेम्पल्स कितने खूबसूरत है, लोग जाते ही इसलिए कि खूबसूरत है। अक्षरधाम मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, और क्या बताएं आपको उसकी सुंदरता। उसमें जागृति भी है, भगवान स्वामी नारायण भी हैं, उनकी कृपा भी है। हमारे गुरुदेव के लिए भी ऐसा कुछ भव्य बने जहाँ पे लोग आए जाने की, और महत्ता हमारे गुरुदेव की इतनी है कि पहले क्षण से ही वो कृपा करते हैं, कृपा के सागर हैं। तो हमारे गुरुदेव के लिए तो हमें बहुत जोर शोर से करना चाहिए। तो आप इस बात का सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि आगे ज़रूर ध्यान रखें। अब जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम कुछ करना है कि हम सब जागृत रहे। हमें गुरुदेव जी के स्थान को इम्प्रूव करना है। पहले भी मैंने ये मुहिम छेड़ी थी, 2021 की बात है, 2021 में फरवरी में हम गए थे, तो मेरा उत्साह इतना था कि मैंने धरती को अपने सिर पे उठा रखा था उस समय। 2021 की बात है, फरवरी की, ये करेंगे वो करेंगे, इतना करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरे साथ ही कुछ उल्टा उल्टा तो नहीं, मेरी साधना में परिवर्तन आना था उस समय बहुत बड़ा। तो मैं एक साल के लिए, कम से कम एक साल के लिए डिप्रेशन में चला गया था, ऐसी घटनाएं घटी थी। डिप्रेशन का मतलब वैसा नहीं, डिप्रेशन का मतलब कि मेरा जो उत्साह था ना कि ये करेंगे वो करेंगे, पहले हमें अंदर से बहुत कुछ जागृत करना होता है। हमारे अंदर पहले हमें एक सचेत चेतना होती है, एक चीज़ होती है, उसके बिना वो काम हो नहीं सकता। तो शायद वो वहाँ उतना चेतन में नहीं था, या उतनी चेतना मुझ में नहीं थी कि कार्य कैसे होते हैं। बुद्धिहीन तो मैं बचपन से ही हूँ, बुद्धि मेरे को है नहीं, पढ़ लिख के भी मुझे कोई अकल आई नहीं, तो इसीलिए वो शायद उस तरह से मैं नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैं फिर से कोशिश करूँगा, गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके एक बार फिर से इस सत्संग के माध्यम से मुहिम छेड़ेंगे कि हम एक रेगुलराइज अपने गुरुदेव के लिए एक रेगुलराइज फंड करें, वहाँ पर उनकी समाधि के लिए एक फ़ंड करें। उनकी समाधि पे अभी क्या है कि लोगों ने जो प्रचार किया है कि समाधि की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे लोग पीछे हट जाएंगे तो वो महत्ता ख़त्म हो जाएगी। हमें एक रेगुलराइज फंड चालू करना है, ये मेरा धारणा है। चाहे मैं अकेला ही व्यक्ति उसमें क्यों ना रहूं, मेरी तो अपनी कमाई है नहीं, आप ही जो देते हो सत्संग से वही है बस, जो भी है तो उसमें ज़रूर जाएगा। और उनको ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें एक लाइन खोजनी पड़ेगी, एक पॉइंट खोजना पड़ेगा सीधा कि आज गुरु पूर्णिमा है तो हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आप दो, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है ऐसे कहने की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी ये सारी चीज़ें तो। लेकिन हर बार फिर गुरुदेव जी का जन्मदिन आएगा, फिर हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे कि कुछ करो, मुहिम लगाएंगे, कुछ करो, वहाँ पे फंड दो। हर साल में 3-4 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन, लेकिन ऐसा एक भी नहीं होता जिस दिन हमें मुहिम ना लगानी पड़े या हमें प्रार्थनाएँ ना करनी पड़े एक दूसरे से कि वहाँ फंड दो। ये बड़ी लज्जा वाली बात है मुझे लगता है कि हर बार इतना भी फंड नहीं रिजर्व रहता वहाँ पर कि एक प्रोग्राम के लिए निश्चिंत हो सके कि कोई नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। तो एक रेगुलराइजेशन ज़रूरी है, पता नहीं है कब होगी या गुरुदेव किसे चुनेंगे ये काम करने के लिए, लेकिन इस बार मैं जाऊँगा तो सत्संग की तरफ से मैं अपने हमारे एक सत्संग को एक कमेटी की तरह रखूँगा वहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि एक तो होना चाहिए रेगुलराइज कि हम
करें गुरुदेव की समाधि के लिए कुछ रेगुलराइज हम करें, या काजलवास के लिए हम रेगुलराइज कुछ कुछ भी ऐसा करें महीने का, कुछ भी होगा ना, कम से कम कुछ तो होगा, कम से कम जुड़ेंगे तो सही, इम्प्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में कुछ तो हमारा, हमें शांति मिलेगी। कि सिर्फ सत्संग के, सत्संग ही नहीं, बाकी लोगों को जोड़ने के लिए वहाँ पर प्रसादी का इंतज़ाम हमेशा रहना चाहिए। कोई आता है दर्शन करने के लिए तो बिना प्रसादी के वो नहीं जाना चाहिए वहाँ से, बिना गुरुदेव की तस्वीर के नहीं जाना चाहिए वहाँ से। कोई नया व्यक्ति है उसके पास तस्वीर नहीं है, एटलीस्ट उसको गुरुदेव की तस्वीर तो हर जगह से फ्री मिलनी ही चाहिए, मुफ्त मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा पे हम एक ऐसी सोच रख सकते हैं कि वाकई हम गुरु जी को कुछ दें। वैसे तो हम कुछ नहीं दे सकते उनको, अब हम सब लोग जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं और सोचते हैं गुरु पूर्णिमा का इतना शुभ अवसर है, गुरुदेव से जो आशीर्वाद ले लें, गुरुदेव जी से प्रार्थना करें, हमारी साधना अच्छी रहे। लेकिन हम गुरुदेव जी के लिए क्या कर रहे हैं? हम भी कम से कम ऐसा करें कि वहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। हमारे गुरुदेव जी का एक ही मंत्र था कि दादा गुरुदेव ने गुरुदेव जी से कहा था कि कोई भी व्यक्ति तेरे दर पे आया हुआ खाली हाथ ना जाए, जो मिलेगा उसे अंदर से ही मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर गुरुदेव की दिव्या तस्वीर है, ये तस्वीर गुरुदेव की इस ब्रह्मांड के लिए वो दरवाज़ा है जो बाहर के लोगों को अंदर की तरफ लेके जा सकती है। तो ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये अंदर जाने का एक रास्ता है। ये वैज्ञानिकों के लिए वो रास्ता गुरुदेव देके गए हैं कि वो खोज खोज के नहीं खोज पाएंगे, तब ये तस्वीर के माध्यम से अंदर जा पाएंगे। तो ये तस्वीर हमारे पास वो है जो हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एक बार गुरुदेव जी कहते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा बीमार था, शायद बद्री की बात करते थे वो, बद्री भाई की, तो वो बहुत बीमार थे, उनको एड्स था और उनके पूरे शरीर से बदबू आने लगी थी। तो डॉक्टरों ने कहा था ले जाओ, तो उनके शिष्य ने, गंगाराम जी ने उनको तस्वीर दी थी, वो भंवरलाल जी थे शायद या बद्री जी थे, उन दोनों में से एक ही। तो उनके इंटरव्यू भी है दोनों की, एक वीडियो में मैंने शेयर किया था सत्संग ग्रुप में, और उसमें है उनके इंटरव्यू। तो उनको तो मंत्र नहीं दिया, उनको तो कुछ भी नहीं दिया, उनको तो सिर्फ तस्वीर दी थी, सिर्फ तस्वीर से वो व्यक्ति जीवित हो गया। तो ये बात प्रमाणित करती है कि ये तस्वीर एक ऐसी उपलब्धि है हमारे पास जिसे हम दे सकते हैं। और गुरुदेव जी के स्थान पर आने वाला कोई भी व्यक्ति समृद्ध से खाली नहीं जाना चाहिए, यही प्रसादी है हमारे लिए, यही प्रसादी है। लेकिन इसके लिए भी हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। सिर्फ कोई उत्सव आ रहा है तब हम गुरुदेव जी की फ़ोटोज़ बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बल्कि एक रेगुलराइज कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हम सत्संग को एक यूनिट की तरह रखेंगे और सत्संग के माध्यम से हम ये काम करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। जो भी आप मेरे साथ होंगे इस चीज़ के लिए, उनके लिए हम डायरेक्ट कुछ कनेक्शन करेंगे, ताकि एक लोगों का एक ग्रुप बने, एक यूनिटी हो और वो एक दिशा में चलें, एक दिशा में सोचें। क्योंकि जितने हमारे हाथ होंगे उतने ही हम प्रचार कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इंसान के दो हाथ हैं, इस हाथ ने प्रचार किया तो फल तो इसको भी मिलता है ना, इसका भी है कि हाँ हमने प्रचार किया। खाली थोड़ी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड ने प्रचार किया या राइट हैंड ने प्रचार किया, मैंने प्रचार किया। तो हम एक हिस्सा बनेंगे सब, और जो भी काजलवास आ रहे हैं या जहाँ भी हम मिलेंगे वहाँ पर हम एक इसका एक सिंबल क्रिएट करने चाहता हूँ। आज ही ध्यान में था तभी मुझे लगा कि हम एक अपनी यूनिटी के लिए, अपने गुरुदेव के इस परिवार के लिए एक यूनिटी सिंबल ये है कि अगर हम काजलवास में मिलते हैं सबके सब, 50 लोग भी हो जाएंगे तो हो जाएगा काम अपना। काजलवास में 50 लोग, और जामसर में तो 10 लोगों से ही हो जाएगा, और पलाना समाधि में भी 10-12 लोगों से हो जाएगा। क्या है यूनिटी सिंबल? कि हमें गुरुदेव को हक करना है, गुरुदेव जी को हक करना है। तो जो काजलवास में है, काजलवास में जो समाधियां हैं, 9 नाथों की और 2 सिद्धों की समाधियां हैं, तो वो जो पूरा एरिया बनाया हुआ उसमें लेडीज़ अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, जेंट्स जा सकते हैं, लेडीज़ नहीं जा सकती। तो हम जब वहाँ पर मिलेंगे, या आप लोग 13 तारीख को मिलते हैं, सब जितने भी लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो पूरा काजलवास में जो समाधियाँ हैं उन सबको हम इनसर्कल करेंगे, ठीक है। एक तरह से हम अपने प्यार का भेंट, हमारे जो दादा गुरुदेव वहाँ पर हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव सब हैं, उनको एक
प्यार की, वो कहते हैं जादू की जप्फी, हम प्यार की जप्फी, एक यूनिटी सिंबल की हम सब एक साथ हैं गुरुदेव, दादा गुरुदेव, हे नाथो, हम सब एक साथ आए हैं यहाँ पर, आपकी शरण में आए हैं, हम एक साथ यूनिटी हो। और ये यूनिटी सिंबल जो है, ये जो हमारा इन सर्कल है, ये काजलवास से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया एक दिन इस घेरे में आए और इस प्यार की जप्फी में सारे आ जाएं, सर्व खल विदम ब्रह्म, सारा जो हमारा परिवार है ना, वो ये इस सिंबल में बढ़ता जाए हमेशा। तो हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी लोग जाएंगे, कभी भी आप 10 लोग हो जहाँ इकट्ठे हो गए और पलाना जाते हैं, जामसर जाते हैं, जहाँ भी गुरुदेव जी की विशेषता है, जहाँ पर है, वहाँ पर ये यूनिटी सिंबल ज़रूर क्रिएट करके शेयर ज़रूर करें, इसका प्रचार करें। इससे हमारे गुरु परिवार में एक सद्भावना जागेगी, हमारे गुरु परिवार में एक प्रेम की भावना जागेगी कि हम सब एक साथ हैं। जब वो एक सिंबल बनेगा ना, तो एक भी प्रार्थना करेगा ना, तो वो सारी या सारे लोग प्रार्थनाएं करेंगे ना, तो वो प्रार्थना बढ़ेगी। और इसको हमें एक यूनिटी की तरह आगे प्रचार करना है। हम लोग सिद्ध योग में बिखरे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, किसकी सोच, लेकिन जब इस सिंबल को हम क्रिएट करेंगे, यूनिटी सिंबल को क्रिएट करेंगे ना, तो सब जब करने लगेंगे तो एटलीस्ट हम सब एक यूनिटी सिंबल से तो जुड़ेंगे ज़रूर। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ भावना के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमें दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, अपने सबको दिखाना है कि हम सब साथ हैं गुरुदेव के प्रति, दादा गुरुदेव के प्रति, नाथों के प्रति। हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट होना है कि हमें आशीर्वाद दो कि ये सिंबल आगे बढ़े, जो काजलवास से शुरू होगा या पलाना से शुरू होगा, जहाँ से भी शुरू होगा, उसको हमें बढ़ाना है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर मैंने इसलिए बोल दिया, अगर मैं जाता हूँ तो मुझे होश रहती नहीं है, वो मैं कहीं भागता हूँ, तो भूल ना जाऊँ ये चीज़। ये काजलवास से शुरू होगा, ठीक है, 13 तारीख को। और अगर हम पलाना धाम में मिलते हैं, तो जहाँ भी हम मिलेंगे, तो ये 13 तारीख को जो पलाना धाम में होंगे, वहाँ यूनिटी सिंबल बनाएंगे, जो जामसर में जाएंगे वो यूनिटी सिंबल बनाएंगे, और जो काजलवास धाम में जाएंगे वो यूनिटी सिंबल जरूर बनाएंगे। हाँ नरहरी भाई, मैं थोड़ा अभी जुड़ा हूँ, यूनिटी सिंबल कैसे, एक थोड़ा रिपीट करना। रिपीट तो मैं ये कह रहा था कि हम अभी, मैं बहुत कुछ बोल दिया मैंने ये कहा है कि काजलवास, हम जितने भी गुरु परिवार में इस बार जाएंगे ना, 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा पे जितने भी लोग हम लोग जाएंगे, एक तो मैंने ये कहा है कि हमारे गुरुदेव के जितने भी समाधि स्थल हैं, जैसे पलाना धाम है, जामसर काजलवास धाम है, ये दोनों धाम को हम सत्संग के माध्यम से, एक यूनिटी सत्संग को एक यूनिटी के माध्यम से सहयोग करेंगे, ताकि वहाँ पर फ़ोटोज़ हमेशा अवेलेबल रहें गुरुदेव की। कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वो गुरु प्रसाद हमारे लिए फ़ोटो है, उससे नहीं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई भी प्रसादी के साथ जाना चाहिए और फ़ोटो के साथ जाना चाहिए। पलाना में भी हमें ऐसे ही करना है कि फ़ोटोज़ और ये सब रखना है, कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, फ़ोटो लेके जाए। दूसरा, हम एक रेगुलराइज फंड काजलवास के लिए और पलाना धाम के लिए करेंगे मंथली, जिसकी वजह से उनका वहाँ पे बिजली का बिल है, या फिर पलाना धाम में बिजली का बिल है, बहुत जमा हो रखा है, मुझे मालूम है, मैं एक बार जाके बात करूँगा। और वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि छोटे छोटे फंक्शंस के लिए हमें, हर फंक्शन के लिए हमें मुहिम ना चलानी पड़े कि हमें फ़ंड चाहिए, काजलवास में गुरु पूर्णिमा का फ़ंड चाहिए, फिर जन्मदिन का चाहिए। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस सामूहिक जिम्मेदारी को लेने के लिए हम एक यूनिटी सिंबल बना रहे हैं। वो यूनिटी सिंबल ये है कि जो भी काजलवास में 13 तारीख को मिलेंगे, और जो भी पलाना में मिलेंगे या जामसर में मिलेंगे, जामसर में और पलाना धाम में 10-10 लोगों से हो जाएगा मिलके, लेकिन काजलवास में हमें कम से कम 50 लोग चाहिए। वो जो जितनी अभी समाधियाँ हैं, उनकी बाहर जो बाउंड्री वॉल है, उसके सारा एक घेरा बना के हम एक सिंबल बनाएंगे, जिसको सर्कुलर इन सर्कल करेंगे, और उसको हम बोलेंगे प्यार का सर्कल बोल सकते हैं, या फिर यूनिटी का सर्कल बोलते हैं, जो भी आप नाम देंगे उसको, ठीक है। लेकिन वो एक ऐसा सिंबल है जो हमें अपने गुरुओं के प्रति एक वचनबद्ध करता है कि हम गुरुदेव, इस सिंबल को हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो कि ये जो सिंबल, ये जो सर्कल परिवार का यहाँ से शुरू हुआ है आपकी समाधियों से, ये पूरे विश्व में फैले, ये अब सर्कल बड़ा होता जाए, इसमें लोग जुड़ते जाएं। तो इसे हम एक सिंबल की तरह भी रखेंगे और प्रचार भी करेंगे कि इससे हमारे गुरु परिवार में जो मतभेद है, या फिर जो भी टुकड़े बने हुए हैं, वो सब अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि
ये एक यूनिटी सिंबल है हमारे परिवार का, और जहाँ भी हम मिले ये हमें एक साथ जोड़े, ताकि हमारा परिवार जब बढ़े तो हमें पता चले कि हमारा परिवार कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है। उनको जोड़ने के लिए एक सिंबल के साथ, एक प्यार का सिंबल है कि हम सब एक हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी शुरुआत करेंगे गुरु पूर्णिमा से। अगर गुरु पूर्णिमा में हम काजलवास मिलेंगे तो वहाँ, नहीं तो फिर पलाना या जहाँ भी मिलेंगे। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए, आप ये करके एक फ़ोटो ज़रूर ले लेना, 2-3 एंगल से फ़ोटो ले लेना, ताकि हम उसको आगे बता सके, लोगों को जोड़ सके, और हमारे अपने भाइयों के साथ हम उस सर्कल में आए। एक दिन ऐसा आए कि हम जितने भी हैं, जितने भी आज बिखरे पड़े हैं किसी न किसी रीज़न के कारण, वो सारे एक दिन, अगर एक साथ नहीं तो जिस जो जो वो सिंबल में आ जाएगा, हम ये समझेंगे कि हमारे परिवार में उतनी यूनिटी आ रही है। हो सकता है कि हमारे पास 10 अलग अलग फ़ोटोज़ हों सिंबल्स की, लेकिन वो एक साथ देखेंगे तो वो 100 लोग हैं एक साथ, यूनिटी के साथ में, जो यूनिटी के साथ में है, जो कहते हैं कि हम एक साथ चलना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन यूनिटी में है, कौन नहीं है। तो ये मैंने बात की है, बाकी थोड़ी सी डिटेल और मैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी और डिटेल मैं इसकी शेयर करूँगा। और रेगुलराइज फंड जो है गुरुदेव की समाधि के लिए, काजलवास के लिए शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति को मोनोपोली करनी चाहिए। हम सबको, हम सबका कर्तव्य बनता है, अधिकार भी और कर्तव्य भी बनता है कि हम उसको कुछ करें। तो वो पूरा डिटेल देखते हैं कैसे, लेकिन जो भी हम करेंगे वो एक सत्संग के माध्यम से करेंगे, मतलब एक यूनिटी के माध्यम कर सकें, इंडिविजुअली नहीं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि हम रेगुलराइज कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो रेगुलराइज करके वहाँ पर बिजली का बिल एटलीस्ट दे सकें, पंखे, जो दरियाँ मैट्स वगैरह होती हैं या तस्वीरें होती हैं, वो प्रॉपर हो जाए। अगर किसी को ना मिले तो हम कहें कि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तस्वीर ज़रूर मिल जाएगी। तो ऐसा एक रेगुलराइज फंड, एक यूनिटी सिंबल करने की प्रार्थना है इस गुरु पूर्णिमा पे। इस चीज़ पे मैंने एक कुछ लिखा भी है, वो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं अलग से शेयर भी कर दूँ। इसमें गुरु पूर्णिमा के दिन की बात कही हुई है, गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर मैंने लिखी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आते आते इसे सर्कुलेट होने में थोड़ा समय भी लग जाएगा, तो इसे पहले शेयर कर रहा हूँ आज मैं आपके साथ। इसमें लिखा है, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, जय श्री गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के दिन शिव पहले गुरु बने, जब उन्होंने सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा शुभ दिन है जो गुरु और शिष्य का एक तरह से जन्म दिवस है, क्योंकि इस पवित्र दिन को जब शिव पहले गुरु बने, उसी क्षण सप्तऋषि भी पहले शिष्य बने। क्योंकि आज के दिन सप्तऋषि चेतन हुए थे, इसलिए आज का दिन द्विज दिन के रूप में भी देखा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन की गई सच्ची प्रार्थना और गुरु सेवा शिष्यों के लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होती है। इस दिन किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु की किसी भी प्रकार से अवहेलना हो। इस दिन शिष्य को गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ध्यान और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन संभव हो तो गुरु प्रचार, भजन और नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। आज के दिन भौतिक कार्यों से अवकाश लेकर धार्मिक कार्यों में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। धर्म के उत्थान के लिए दान, शिक्षा, दीक्षा का आयोजन, सत्संग, भागवत पाठ, गुरु गीता का अध्ययन और गाय की सेवा जैसे धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। इस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। पतंजलि अष्टांग योग में वर्णित यम और नियम का पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए। आज के दिन अच्छे शिष्य बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। गुरु भाई और गुरु बहनों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना या दुर्विचार न करके प्रेम और शांति का अनुशासनशील व्यवहार धारण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के इस पावन और शुभ अवसर पे आप सबको जय श्री गुरुदेव। और अगर कभी किसी को किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में मेरे कारण किसी भी शिष्य को किसी भी प्रकार की पीड़ा मन से, प्राण से या शरीर से सहनी पड़ी हो, उसके लिए गुरु जी के पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए क्षमा अर्चना करता हूँ। और अगर कभी मुझे किसी प्रकार की ठेस आपके द्वारा लगी हो तो गुरु चरणों का ध्यान करके मैं भी क्षमा को धारण करता हूँ। श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी के इस गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पे यह करुण प्रार्थना है कि वो हम सब शिष्यों में प्रेम और मैत्री की भावना का संचार करें। हम शिष्य सनातन धर्म के उत्थान के लिए, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए और समस्त संसार के कल्याण का कार्य कर सकें, ऐसा मंगल आशीर्वाद वो हम सब शिष्यों को प्रदान करें। आज ही के दिन श्री गुरु माता को भी चरण वंदना करते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम गुरुदेव का ये महान कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हे मातृशक्ति श्री गुरु माँ, आपकी वंदना करते हैं।
हे गुरु शक्ति, हे आई पंथ की आधारशिला, तू ही सरस्वती, तू ही लक्ष्मी और तू ही तारा काली पार्वती, तू ही शक्ति कुंडलिनी है। हे माँ, तू ही त्रिगुणों की जननी है और तू ही मुक्तिदायिनी है। इसी के साथ हे गुरुनाथों, आपकी भक्ति और तपस्या से प्राप्त सिद्ध योग का अमर फल हम सब शिष्यों का परम कल्याण यूं ही करता रहे, इसकी प्रार्थना हेतु हम अपने हृदय रूपी कमल को आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा उत्थान करें और हे आई पंथ के संस्थापक, हे गुरु पिता श्री गोरक्षनाथ जी, आप अपना आशीर्वाद सदैव हम शिष्यों पर बनाए रखें। हे आदिनाथ मच्छिंद्रनाथ भगवान, आपके माध्यम से प्राप्त सिद्ध योग के अमर फल के लिए संपूर्ण मानवता सदैव आपको नतमस्तक रहेगी। हे त्रिनेत्रधारी, हे मुरली वाले, आप अजन्मा अनादि हैं। जब न दिन था न रात थी तब भी आप थे। आप उस समय भी स्वयं गुरु और स्वयं ही शिष्य थे। आप एक आत्मा हैं, आप सत्य की आत्मा हैं, आप अभिन्न स्वरूप हैं, आप ही का अंश हमारे अंदर आत्म रूप से चेतन है। कोई भी शब्द आपकी कृपा की वंदना के लिए कम है। इसलिए हे कल्याणकर्ता परम पिता, हम आपके स्वरूप बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के मानव मात्र के कल्याण कार्य हेतु इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपकी सेवा में सदैव के लिए प्रस्तुत होते हैं। हे दयालु, आदेश आदेश आदेश। जय श्री गुरुदेव। तो ये एक प्रार्थना है मेरी कि हम सब इस गुरु पूर्णिमा में कुछ बदलाव लाएं अपने गुरु परिवार में। सिर्फ ये नहीं कि हम गुरुदेव से आशीर्वाद मांगें या फिर अपने कल्याण के लिए कुछ करें, हम अपनी यूनिटी को एक साथ लाएं, हम अपने परिवार को एक साथ लाएं, एक दूसरे को एक साथ लाएं, ताकि ये बढ़े आगे। जब हम देखते हैं बाकी जितने भी प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है अक्षरधाम। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली अक्षरधाम के मंदिर में, वहाँ के सन्यासी, वहाँ तो सन्यासी हैं और लेकिन उनका जो गुरु के प्रति, स्वामी नारायण के प्रति जो श्रद्धा है, जो सेवा है और जिस तरह से वो एकजुट हो रहे हैं और जगह जगह पे अपना प्रचार कर रहे हैं, श्री हरि का ही प्रचार है, लेकिन उस तरह से हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दो लोग आगे निकल के भाग के कुछ कर लेंगे, वैसे नहीं चलेगा, वैसे होना असंभव है। ये तो एक साथ होने वाला कार्य है, ये एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, दो भी नहीं कर सकते, दस भी नहीं कर सकते। इसके लिए तो बड़ा ग्रुप चाहिए, बड़ी यूनिटी चाहिए, सबको मिलना पड़ेगा, सबको आना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ बहुत बड़ा गुरुदेव के लिए कुछ करते हैं, तब वो शुरुआत भी वो पहले उससे होगी, कण से होगी। जब हम एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं ना, तो उसमें एक ईंट जो लगती है वो शुरुआत करती है, पहली ईंट जिसे आधारशिला कहते हैं, वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वो आखिरी ईंट जो उसको पूर्ण करती है। उसके बीच में हम सबको आना है और हमें एक्टिवली इसमें देना है। इससे इट डज नॉट मैटर, ये नहीं मैटर करता कि हम कितने सक्षम हैं कितने नहीं। आप सबसे कम सक्षम मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रण करता हूँ कि जो भी होगा मेरे पास, जो भी होगा मैं उसमें कंट्रीब्यूशन दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ ही उनका है, सत्संग ही उनका है, सब कुछ ही उनका है। मेरे पास तो धन नाम की संपत्ति है नहीं, ज़ीरो हूँ मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रण करता हूँ, जीरो के साथ भी मैं प्रण करता हूँ कि मैं तन मन धन जो भी मेरे से हो पाएगा, जैसे भी हो पाएगा, मैं उसके लिए अपने गुरुदेव को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कोई योगदान कितना भी छोटा हो, वो भावना बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस गुरु पूर्णिमा पे अगर कुछ बदलाव लाना है हमें, क्योंकि अभी बदलाव आने वाला है। देखो, बहुत बड़ा बदलाव ये है कि ये जो पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, इसमें आपको सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है गुरु माँ का। और मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा मैं एडवांस में ऐसे कभी करता नहीं, बकवास ऐसे करता नहीं कभी भी, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं नहीं रहता, लेकिन गुरुदेव जी ने मुझे एक तस्वीर बनवाई है मुझसे, ठीक है। मैंने वो तस्वीर रफ में बनवा ली है और आर्टिस्ट को मैंने दे दी है बनवाने के लिए। अभी आर्टिस्ट ने काम शुरू नहीं किया है और जब तक वो काम शुरू नहीं करता, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, तीन आर्टिस्ट ने तो मना कर दिया कि वो नहीं बना पाएंगे, ऐसी तस्वीर बना नहीं पाएंगे जैसी मैंने कहा है उनको। तो एक आर्टिस्ट माना है बड़ी मुश्किल से उस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, तो वो 10 तारीख के बाद काम शुरू करेगा। मैंने उसे कहा था गुरु पूर्णिमा पे शुरू करे तो भी ठीक है, तो एक महीने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक वो हाँ उसने ठीक से भरी नहीं है, क्योंकि वो काम जो है, जो दिया उसको, वो आज तक नहीं हुआ। वो 2000 साल के बाद
2000 साल पहले जो जीसस ने भविष्यवाणी की थी उस कंफर्टर की तस्वीर की, जो उसने व्याख्या दी थी वो, और गुरु और महर्षि अरविंदो ने जो व्याख्या दी है, उन दोनों को मिला के एक आधार, एक फाइनल गुरुदेव का एक गुरुदेव की एक तस्वीर निकली है। तो वो तस्वीर को मैंने रफ में बनाया, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको रफ में देखने का मज़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको मैं एज ए क्या बोलते हैं इसको, एज ए सोविनियर अपने पास हमेशा रखूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट एवर कॉपी है मेरे पास जो मैंने बनाई है। वो एक महीने के अंदर वो तस्वीर आएगी, वो ठीक यहाँ पर लगेगी, लेकिन ये सब तब होगा जब गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो तस्वीर जो है वो ईसाई जगत में हड़कंप मचाएगी, ईसाइयों को ये कन्विंस करेगी कि जिसकी व्याख्या दे रखी है बाइबल में उसको अगर समझना है तो आपको गुरुदेव का ध्यान करना पड़ेगा और आपको ये सच्चाई जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो गुरुदेव की ऐसी तस्वीर वो आएगी। तो ये एक माँ की तस्वीर आई है और एक कल्कि की तस्वीर, जो कल्कि की तस्वीर हमें ग्रंथों में मिली है कि घोड़े पे बैठे हैं करे हैं वो है, वो वैसी नहीं है, वो सिंबॉलिक नहीं है। जो घोड़े वाली तस्वीर है ना वो सिंबॉलिक है। अभी वो घोड़े के कई मतलब निकालते हैं, कोई कहता है कि वो एक स्पीड है, एक प्रचार है, ठीक है, प्रचार का एक माध्यम है। तो मेरा हमेशा से मुझे लगता है कि वो मन है, सफ़ेद मन है, क्योंकि ये बात बाइबल के भविष्यवाणी में ज़्यादा स्पष्ट होती है। उसको घोड़े का सिंबल दे दिया गया, ठीक है, घोड़े का सिंबल उसको दे दिया गया मन को। तो ये जो तस्वीर अभी बनेगी वो सिंबॉलिक नहीं होगी, वो सिंबॉलिक नहीं है, वो रियल है, वो रियल तस्वीर है कि गुरुदेव का कार्य। इसके अलावा, ये पोर्ट्रेट के अलावा एक पोर्ट्रेट और है जो मैं कर रहा हूँ, जिस पे काम कर रहा हूँ, तो वो बड़ा है काफ़ी, वो काफ़ी बड़ा है। उसमें भी कल्कि की यात्रा है पूरी, कैसे है, कैसे जाएगी, ठीक है, और वो सिंबॉलिक नहीं होगी, वो रियलिस्टिक होगी। तो ये काम है जो हम शुरू करेंगे, ये चल रहा है जुलाई अगस्त 15 अगस्त ना, तो श्री अरविंदो के जन्मदिन से पहले श्री अरविंदो की वो व्याख्या, ठीक है, 15 अगस्त को आई प्रॉबेबली मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिवील करूँ 15 अगस्त को। मेरा पहले प्लान था कि गुरु पूर्णिमा पे जाके ही उसको रिवील करेंगे, लेकिन वो कोई आर्टिस्ट तैयार ही नहीं हो रहा, कोई मुश्किल हो रही है, और ये आर्टिस्ट भी तैयार होगा कि नहीं होगा इसकी भी मुझे भी शंका है, इसीलिए मैं पहले नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ पर, और 15 अगस्त का टारगेट है श्री अरविंदो के जन्मदिवस पर, उसको हम गुरुदेव की जो उनके उन्होंने जो गुरुदेव के लिए कहा है ना, वो उनका क्या कहा है उन्होंने टोटल मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीर के माध्यम से सब एक्सप्लेन होगा। और 24 नवंबर अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 24 नवंबर को एक बड़ा पोर्ट्रेट, जिसमें पूरी तस्वीर, जो तस्वीर मैंने पहले बनाई थी पूरी, वो तो हो ही नहीं सकती, वो कहते हैं तो हमसे बनेगी नहीं कभी भी, तो वो उसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो एंड पॉइंट है, लेकिन जो 24 नवंबर के लिए रखेंगे वो बड़ी फोटो उसके लिए समय लगेगा, एक वो काम करना है, ये काम करने, और हाँ बाकी बाद में आगे बात करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हम इस गुरु पूर्णिमा से, सिर्फ गुरु पूर्णिमा का जो पहले हमारे लिए जो मतलब था कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया हमने, लिया हम अपनी साधना कर रहे, नहीं, अब हम गुरु जी के यंत्र बनने के लिए तैयार है, साधना हमारी चलती रहेगी, और प्रचार के लिए कोई भी ऐसी भावना नहीं रखनी है कि प्रचार आपको कभी भी बंद नहीं करना है किसी भी समय भी, ठीक है, प्रचार आपने करना ही नहीं है, आप प्रचार कर नहीं सकते, आपके अंदर जो गुरु शक्ति है वो प्रचार करती है। तो ये जो मिथ्या भावना है कि आप तब प्रचार करो जब आप कहीं पहुंच जाओगे, या आप खुद सिद्ध हो जाओगे, या आपने खुद कुछ कर लिया तब प्रचार करना है, या आप पे मुसीबतें आ रही हैं आप प्रचार नहीं कर सकते, मत करो प्रचार, ये सारी मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप के अंदर जो शक्ति है वो प्रचार करती है, और अगर वो अंदर आपके शक्ति है तो आप प्रचार कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, बात खत्म होगी, ठीक है, आप नहीं कर सकते कुछ भी। जब वो शक्ति कर रही है तो फिर मुसीबतों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, और अगर कुछ भी होता है ऐसा, कुछ भी जीवन में डिफ़िकल्टी आती है तो वो हमारा तप के हिसाब से है। अब हम साइंटिफिकली इस योग को समझ रहे हैं, पतंजलि अष्टांग योग जो इतना, ये ग्रंथ गुरुदेव ने कहा तिलिस्म है, ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा
तब हम इसके आधार पर बात करेंगे, क्योंकि साइंस इसे सुनेगी, इसे मानेगी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को चाहे ना भी माने या सुने, लेकिन इसको मानेगी, बाइबल की भविष्यवाणियों को मानेगी, बाइबल को मानेगी, पवित्र बाइबल को, और ऋषि अरविंदो की जो जीवनी रही है उसको मानेगी। हमें कोई ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई ऐसे तोप नहीं है, ठीक है, हम बहुत साधारण से हैं, और हमारा साधारण होना ही बहुत ज़रूरी है। हम जिस दिन विशेष हो गए उस दिन हमारा काम खत्म, क्योंकि अगर बाइबल की भविष्यवाणियों में हमें प्रूव करना है गुरुदेव को, तो हमें साधारण रह के ही करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि उसके शिष्य जो साधारण जन साधारण होंगे वही उसके मिशन को आगे लेके जाएंगे। तो विशेष बनने की कोई मंगल कामना नहीं है, विशेष हमारे लिए महर्षि पतंजलि, ऋषि अरविंदो, जीसस, गुरुदेव, दादा गुरुदेव, यही विशेष है हमारे लिए। इनको ही मिला के हमें अपनी फिलॉसफी को, गुरुदेव की फिलॉसफी को दुनिया के सामने लाना है। और हम कितना समझ पाए हैं आज तक, हम शिष्यों ने जो भी समझा है उसमें कुछ भी हमने अपना अपनी एडवांसमेंट नहीं दिखाई है, हमने अपना परिवर्तन नहीं दिखाया, हम वही दिखा रहे हैं जो हमें इन भौतिक नेत्रों से दिख रहा है। हमें गुरुदेव की ये तस्वीर भौतिक नेत्रों से दिख रही है, इसका मतलब है कि वो ऋषि अरविंदो ने जिसकी बात की थी, वो चाहे उन्होंने ऋषि अरविंदो ने जो बात की थी जिसकी बात की थी वो डेट भी देते हैं, 24 नवंबर 1926 है, फिर माँ ने भी, श्री माँ ने कन्फर्म किया था 1961 फर्स्ट जनवरी को वो आएगा, और पहले दशक से पहले अंतिम दशक में 2000 के वो सामने भी आ जाए, ये सारी चीज़ें फैक्ट में आ रही हैं, फैक्ट में आ रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे फैक्ट को, समस्या ये है। तो हमें उसको अब उसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में वो कर दिया है काम, उसको हमें डिस्क्राइब करना है ताकि ईजिली उन तक वो सिंबल पहुँच सके। अब सारी स्टोरियाँ मिला के तो नहीं दे सकते, लेकिन एक तस्वीर में वो ऋषि अरविंदो की पूरी फिलॉसफी एक तस्वीर में, और जीसस की पूरी फिलॉसफी सिंगल तस्वीर में आएगी। और वो तस्वीर अगर हम बना लें, अगर वो तस्वीर हम पेश कर दें सामने में, तो इस ये सिद्ध करेगी कि हम एडवांसमेंट, हमने इसको समझा है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम मेरी दीक्षा लोगे तब तुम बाइबल समझ पाओगे, कि बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं उस कम्फर्टर के लिए, उस कम्फर्टर को पहचानने के लिए भी तुम्हें त्रिनेत्र चाहिए, उस कम्फर्टर को पहचानने के लिए भी तुम्हें चेतना चाहिए। तो जब तक तुम चेतन नहीं होगे तब तक तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो अगर वो पूछे हमसे कि तुम तो हो गए चेतन, तुम्हें तो कर दिया गुरुदेव ने चेतन, हमें दिखाओ, हमें बताओ, ठीक है, तो दिखाओ, हमें दिखाओ, यही प्रश्न पूछेंगे वो। जीसस ने उनको यही प्रश्न दिया है कि तुम उससे पूछना कि हमें दिखाओ, ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा मैंने बताना नहीं है, मैं यहाँ कथा प्रवचन करने नहीं आया, मैं यहाँ भविष्यवाणियाँ करने नहीं आया, मैं भविष्य वक्ता पैदा करने आया, मैं यहाँ ऐसे भविष्य वक्ता करूँगा जो दिखाएंगे, जो देखेंगे। तो जब हम विदेश में जाएंगे ना, उनको यहाँ लाएंगे वापस, तो उनको गुरुदेव से डायरेक्ट जोड़ेंगे, तब जब हम ये दिखाएंगे कि मैं देख सकता हूँ और मैंने देखा है, मैंने उसको देखा है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसा मैंने उसे देखा है। तो अब आप ये देखो कि ये जो दिख रहा है, गुरुदेव को डायरेक्ट देख के तो वो नहीं पहचान पाएंगे ना, कौन पहचान पाएगा गुरुदेव को, कोई पहचानों की आसान बात तो है नहीं। गुरुदेव का आपके अंदर परिवर्तन आएगा, उससे आप पहचानोगे, लेकिन गुरुदेव को देख के, उसको लोग कहते हैं चश्मा लगा हुआ है, ये है, या कोई कहेगा मैं, और अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं कि किसी, वाई वी शुड मेडिटेट ऑन अ ह्यूमन, हम किसी ह्यूमन का क्यों करें, हम जीसस का क्यों ना करें। तो दे विल नेवर एक्सेप्ट सन ऑफ अ मैन, क्योंकि उन जीसस ने यही कहा था कि वो ही विल बी अ सन ऑफ अ मैन, वो एक आदमी का पुत्र होगा, मतलब कि वो एक साधारण दिखने वाला होगा, तो वो चीज़ जानते हुए भी नहीं फील करेंगे। तो उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन वो करेगा क्या, किन चीज़ों में क्या करेगा, वो बताएगा उसको। तो वो गुरुदेव की फोटो लेके उस पिक्चर को डिपिक्ट करना और उनको बताना कि मैंने देखा है और मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से गया हूँ, जो ये कह रहा है, ये तस्वीर कह रही है, वो हुआ है। आप ये देखो कि जीसस ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दी थी क्या यही थी, तब जब वो देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि है, लेकिन रियलाइज उनको खुद ही करना पड़ेगा कि हमारे साथ ये होता है कि नहीं होता, हम ये रियलाइज कर पाते कि नहीं कर पाते। तो गुरुदेव की तस्वीर जो है वो रेवोल्यूशनरी है, लेकिन उसमें बहुत सारे रहस्य भी हैं, बहुत सारे रहस्य भी हैं। तो वो रहस्य जो है वो हमें पहले खुद जानने पड़ेंगे। अगर हम ही चेतन नहीं हुए,
अगर हम ही नहीं समझे फिलॉसफी को, तो हम बाइबल को क्या चैलेंज करेंगे जाके? ईसाइयों को क्या चैलेंज करेंगे कि हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ। जैसे गुरुदेव ने पूछा कि मैं पूछता हूँ आपसे कि बताओ वो सफ़ेद पत्थर कौन सा है जिस पे वो एक नाम लिखा होगा और जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो कैसे ढूंढेंगे? आनंद उमड़ के गुरुदेव ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि आनंद उमड़ता है हृदय में और दूसरे हृदय तक बहता है, उसको एक्सप्लेन करो। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो पहले हमें खुद समझनी पड़ेंगी। हम समझेंगे, उसको डिपिक्ट कर पाएंगे, तब उन्हें कहेंगे कि हमने समझिया। तो ये शुरुआत है इस गुरु पूर्णिमा पे, एक शुरुआत है जो हमें करनी है और इसको आगे लेके जाना है। हमें एक एक आदमी विदेश जाने से नहीं होगा, एक आदमी को कभी सुनेंगे भी नहीं। हमारा सबका एक साथ परिवर्तन होना चाहिए। वो जो सिंबल है यूनिटी का, वो एक परिवर्तन का सिंबल की तरह फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। समय लग जाएगा काफ़ी, मैं जानता हूँ, लेकिन शुरुआत तो शिष्यों को ही करनी पड़ेगी, किसी को तो करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा, किसी को तो करनी पड़ेगी और करनी शिष्य को ही पड़ेगी। जो काबिल होगा, जिसको गुरुदेव आशीर्वाद करेंगे, उसको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। ये तो एक छोटे छोटे लोग मिलके, छोटी छोटी ईंटें मिलके एक बड़ी दीवार या बड़ा मंदिर बनाएंगे जो उनको दिखेगा। एक एक नहीं दिखेगा, एक पक्षी आकाश में उड़ता हुआ किसी को दिखता नहीं, लेकिन जब वो 100-150 पक्षी एक साथ उड़ते हैं और वो लहरें बनाते हैं तो लोग देखते हैं, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वो यूनिटी में सुंदर लगते हैं। एक पक्षी कितनी मर्जी गुलाटी मार ले, ओके यार ठीक है उड़ ही रहा है ना, लेकिन कैसे उड़ रहा है, क्या गुलाटी मार रहा है, उसकी किसी का ध्यान नहीं। लेकिन वो सब जब एक साथ लय में जाएंगे तब कहेंगे वाह क्या सुंदर, क्या प्रेरणादायक है, और इनमें भी ज्ञान है, इनमें भी एक दूसरे के लिए ज्ञान है। एक साथ यूनिटी, पक्षी एक साथ उड़ते हैं ना, यूनिटी में उड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है और पीछे कौन है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आगे वाला है उतना ही बीच वाला है। अगर बीच वाले निकल जाएं तो यूनिटी ख़त्म हो गई। माला का हर बीड इम्पॉर्टेंट है। माला कहीं से भी टूट जाए, वो टूटी हुई माला ही होती, तो महत्वपूर्ण है। तो इस गुरु पूर्णिमा पे हम एक यूनिटी की शुरुआत करें, ऐसा मेरा सजेशन है आप सत्संग वालों को। ठीक है, तो एक रेगुलराइज करना है एक चीज़ को, और दूसरा यूनिटी के सिंबल को बढ़ाना, और तीसरा बाइबल, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों को आप सब पढ़ो, आप सब पढ़ो। हमने सेशन किए हैं ना, हमने सत्संग किए हैं उस पे सारे, इंग्लिश में भी किए हैं और हिंदी में भी किए हैं। और जब वो 15 तारीख को जब तस्वीर आ जाएगी ना, तो 15 तारीख को उस बाइबल की भविष्यवाणी में जो वो लिखा हुआ है सब कुछ, और ऋषि अरविंदो ने जो लिखा वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा पे, आप सब एक साथ आओ, एक साथ इकट्ठे हो जाओ, एक साथ चैलेंज लो या एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि मैं यूनिटी सिंबल में। ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा मैं, कुछ भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ संस्था नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो बिल्कुल, बस आप जुड़े हो एक साथ वो यूनिटी के साथ। और जो भी शिष्य उस यूनिटी में जुड़ता है, एटलीस्ट हमें पता होगा कि हम, हमारी अप्रोच है इतनी। अगर हम कोई एक मुहिम छेड़ते हैं तो हम वो यूनिटी सिंबल को ही कहेंगे कि आप सब आओ एक साथ। तो एक को कह दिया यूनिटी में, एक को मैसेज दिया तो वो सबको चला जाएगा। जब भी हमें कोई बड़ा कार्य करना है गुरुदेव के लिए, तो वो यूनिटी सिंबल ही करेगा। ठीक है, जय गुरुदेव राष्ट्री, जय गुरुदेव भगत भाई। हाँ जय गुरुदेव, कैसे सब सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हो नरहरी, कैसे हो? फोन भी नहीं करते हो, बिजी हो बहुत। नरहरी कैसे हो? नरहरी है कि नहीं है सत्संग में? नरहरी है। हाँ हाँ ठीक 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 है, चलो सब आओ गुरुदेव को। अब की बार क्या है? जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर, सर जय गुरुदेव, सर जय गुरुदेव। आना है सर आपको विशेष, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आने का।
बिल्कुल पूरा प्रोग्राम है ठीक है। और वो अपने वो नाथू जी को लेके आना यार, वो जंगल में गए थे ना गुरुदेव को ढूंढने, उनको लेके आना है। हाँ बिल्कुल, उनके क्या बच्चा बच्ची के एग्जाम है तो वो थोड़ा प्लान उनके सेट नहीं हो रहा है, दूसरे दिन परीक्षा है। हाँ। तो वो आप बोलना तो गरीब भगत सिंह जी ने रिक्वेस्ट किया। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा, रोज प्लान तो बनाते हैं। देखो ये गुरु प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परीक्षा विशेष रहने वाली है आपकी बात, आप सब लोग आओगे तो बहुत विशेष हो जाएगी। क्योंकि अभी एक प्रोग्राम रख रहे गुरु पूर्णिमा में कि सारे गुरु भाई मिलके एक लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी बात, क्योंकि ये जो हमारे मिशन में जो संघर्ष है और जो गुरु भाइयों के बीच जीवन में जो संघर्ष आ रहा है, इसके लिए क्या है कि देखो पहले आज मैंने एक बात सुनी, जब काजलवास में था तो जब आसपास के गांव में बारिश नहीं आती थी ना, तो कोई एक दो आदमी जाता था तो चलो नारियल चढ़ा के आता था, प्रार्थना करके आता था, तो फिर इतना भगवान ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर जब गांव वाले आसपास मिलके सोच के जाते थे कि हम भगवान के पास जाएंगे प्रार्थना करेंगे काजलवास में, और सब लोग वापस भीग के आए, मतलब जैसे काल जैसी हालत होता है, भाई गायें भी भूखे मर रही है, लोग भी भूखे मर रहे थे, ऐसे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग है वो काजलवास जाके एक प्रार्थना करते थे समाजों के बीच, सब लोग एक ही अंतरधारा से कि प्रभु हमारे कम से कम हमारे भाग का नहीं हो तो कम से कम पशुओं के भाग का तो ऐसा हो ऐसा हो, जो भी अपने दिल में प्रार्थना। तो मैंने खुद ने भी देखा है 15-20 साल में, और मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, मेरे दादा परदादाओं से भी सुना है कि काजलवास में ऐसी प्रार्थना करने पर आज दिन तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। तो फिर मैंने भी एक विचार किया है कि चलो गुरु पूर्णिमा तो है ही है, ये तो गुरु और शिष्य का दिन है, शिष्य अपने गुरु की, ये शिष्य का दिन है कि वो अपने गुरु की पूजा करे, अपने गुरु को अपने हृदय से मान सम्मान करे, गुरु की पूजा करे, गुरु का आदर करे, गुरु का स्मरण करे, और इस दिन गुरु प्रसन्न होकर शिष्य को आशीर्वाद देता है। तो लेकिन मैंने कहा कि अब की बार इस प्रोग्राम को विशेष करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, सब जने मिलकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले गुरु भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरु बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन में संघर्ष है, कि गुरुदेव अब तेरी कृपा कर, और तू अगर कहीं पर भी नाराज है, कहीं पर भी तू अगर तुम्हारा को क्रोध है, तो हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए, हमें क्षमा कर और हमारा मार्ग, हमें मार्गदर्शन कर, हमारा मार्गदर्शन बन, हमें विश्वास दिला और तेरी छत्रछाया मिले। तो हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, फिर दूसरी प्रार्थना हम मातृभूमि और धर्म के लिए करेंगे कि प्रभु पहले हमारा ठीक कर, हमें उसके योग्य बना कि हम आपका काम कर सके, वैसा हमें बनाओ, क्योंकि हमारी बुद्धि से होने वाला काम नहीं है। जिसने भी गुरुदेव के मिशन में बुद्धि लगाई है उसके हालात क्या हुए हैं और क्या हो जाएंगे वो तो दुनिया जानती है, क्योंकि हमारी बुद्धि का काम नहीं है, ये तो प्रार्थना का काम है। तो प्रार्थना करेंगे कि हमें उसके योग्य बना, तो कैसा काम चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तू इस धरती पे क्या चाहता है, तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन अब मुझे मार्गदर्शन तो करेगा, मुझे कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे थोड़ा तो भरोसा दिला, मुझे कम से कम बाहर निकलने के लिए हिम्मत तो दे, कम से कम मुझे इन झंझटों से तो बाहर निकाल, दलदल से तो बाहर निकाल। हमें एक ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी सब भाइयों को मिलकर, हम सबको इस मानव संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, प्रत्येक जीव जंतु के लिए, इस प्रकृति के लिए, और इस घोर कलयुग के खात्मे के लिए, और इस नए युग को आरंभ, नए युग के लिए, और राम राज्य के लिए कि धरती पर है प्रभु, अब राम राज्य नहीं होगा तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती, जब तक तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे लोगों के द्वारा इस धरती पर जब शासन नहीं चलेगा तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा अब इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म विश्व धर्म हो। तो अगर तुम्हारी यही इच्छा है, इसके लिए तुमने तप किया है, इसके लिए तुमने अवतार लिया है, इसके लिए तुमने हमारे को शिष्य बनाया है, हमारे पर कृपा करी है, तो हमें आगे का मार्ग भी बता कैसे जाना है। पहले तो मुझे हमें इस दलदल से बाहर निकाल, हम निकल ही नहीं पा रहे, तेरा काम करना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन हालात ने घेर रखा है, तो हमें इस हालात से बाहर निकाल, हमारी समस्याओं से मुक्ति कर और आगे का मार्ग दिखा, तभी जाकर ये संसार मानेगा। तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी भाइयों, तो आप सबको आना है, और मैं तो एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गुरुदेव मेरा कोई अहंकार नहीं है, मुझे तो एक नया जीवन तुम्हारे द्वारा मिला है, तो ये तो जीवन तेरी सेवा में लग चुका है, ये तो इस पे अधिकार ही तेरा ही है, मेरी तो हर सांस में वैसे ही तेरा अधिकार है, मैं कहूँ ना कहूँ तो भी अधिकार तेरा है, मैं तेरे हेतु के अलावा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमात्मा को कहा कि परमात्मा जब तक सांस दे रखी कम से कम तेरे काम के लिए मुझे आगे तो बढ़ा, कैसे जाना है, और जितने भी गुरु भाई है इनके आपस में प्रेम बने, वो आपको समझे, उसके भीतर से आप प्रकट हो, और अगर कोई नकारात्मकता है तो खत्म करें,
सबसे पहले पहल मैं करूंगा, अगर किसी के सामने झुकना है कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं अपने अहंकार को वैसे ही मार चुका हूं, तो मैं उस गुरु भाई से मैं माफी मांग लूंगा कि भाई अगर तू मेरी किसी बात से नाराज है, अगर मैंने कहीं तेरा अनादर कर दिया है तो तू मेरा गुरु भाई है, तू मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, तेरे और सबसे मेरा प्रिय रिश्ता है, तो मैं माफी मांगता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरी जो कमियां मुझे बताओ और मैं उसे दूर करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए इस मार्ग में हम सब मिलकर आगे बढ़े और जो गुरुदेव का सपना संसार में साकार करें। जब तक हम ऐसी कामना नहीं करेंगे, जब तक ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक ये काम को आगे का मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक ये काम पूरी ताकत के साथ पूरी शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें ओवरऑल नए लोगों को आगे लेके आना है। आज दिन तक क्या हुआ है कि AVSK में यही हुआ है कि हम जो भी नया चेतन व्यक्ति आता है तो हमने उसकी कमियां निकाल कर उसको दबाया है, उसको प्रेम से समझाएंगे, नए लोगों को आगे लेके आएंगे, जो लोग जिसके अंदर भगवान के प्रति तड़प है, भगवान के काम करने के प्रति तड़प है, ऐसे लोगों को हमें कहा है, हमें कौन सा पद चाहिए, पद तो उन लोगों को दो जिनके अंदर जिज्ञासा है, जिनके अंदर करने की ताकत है। तो हमें उस संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेरे भाई अगर तुम लोग गुरुदेव से जुड़ गए हो, गुरुदेव से अपेक्षा करते हो, तो आप सबको मेरे इस मुहिम में मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी जाकर आप सबका सपना, हमारा सबका सपना और गुरुदेव का सपना पूरा होगा और पूरे संसार को शांति प्रदान होगी। अभी आने वाले वक्त इससे भी बड़े बदतर, बद से बदतर है, हमने कोरोना काल देखा है, हमने बहुत कुछ झेला है, तो हम ये भारत का 200 साल में पतन हमने झेला है, तो हमें इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार देश गुलाम हुआ तो देश में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आगे आए, वैसे ही अब इस देश के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान से शक्ति मांगनी पड़ेगी, भगवान को मजबूर करना पड़ेगा, भगवान को कहना पड़ेगा कि हस्तक्षेप कर, अब तेरे हस्तक्षेप के बिना ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अब आगे की व्यवस्था संभाल, हम आपके यंत्र बनने के लिए तैयार है, सिपाही बनने के लिए तैयार है, सेवक बनने के लिए तैयार है, ऐसी प्रार्थना, तेरी जो इच्छा वही पूरी हो परमात्मा, लेकिन हमको, हम इस काम को करना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं, हमें इस दलदल से बाहर निकालो, तो हम सबको मिलकर ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर ये झंडा रुकेगा, अन्यथा नहीं रुक सकता भाई, अन्यथा नहीं रुक सकता। मेरी बातों को गौर करो, मैं सब लोगों को अंदर, मैं सब लोगों के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जाग जाओ, वक्त आ गया है, इस कलकी की सेना बनो और संसार में आग की तरह छा जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि गुरु सेवा की तस्वीर से ध्यान लगता है, संसार की सारी समस्याओं का समाधान होता है, गुरु सेवा को याद करने मात्र से भी आपको मुक्ति संभव हो सकती है, गुरु सेवा एक ऐसा समर्थ गुरु है, ऐसा पावरफुल गुरु है, आप पूरी दुनिया को चैलेंज के साथ कह सकोगे, लेकिन आप उस गुरु को पहले तो अपनी समस्या का समाधान करोगे, अपने में अगर जब तक आत्मबल नहीं बढ़ेगा, मन बल नहीं बढ़ेगा, तो ये भारत तो मन बल से आगे बढ़ाए, जब तक हम कमजोर रहेंगे तो हम आगे जाकर क्या लड़ेंगे, हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सब लोग चाहे बोले आओ कैदरवास आओ तो ठीक है, नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में ही गुरुदेव का दीपक लगा कर, गुरुदेव तो सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट है, कहीं पर भी आप अपने गुरु को याद करो और आप अपने गुरु की पूजा करो और ऐसी प्रार्थना करो और उसे कहो कि मेरा ही नहीं पूरे संसार का भला करो प्रभु, अगर संसार का भला नहीं होगा, मेरा अकेले का भला कर दिया तो भी किस काम का, मैं पूरी दुनिया को तो दुखी देख रहा हूँ और मैं सुखी रह गया तो फिर किस काम का, तो मुझे तो संसार को सुखी करो प्रभु। तो अब अपन मांगेंगे तो वो देगा, अपन प्रार्थना करेंगे पुकारेंगे तो वो आएगा। देखो हमें जरूरत, अगर किसी चीज की जरूरत का ऐसा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर आपको किसी समस्या के समाधान हेतु अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और आपकी समस्या आपकी बुद्धि से परे, जैसे एड्स की बीमारी का इलाज नहीं, कोरोना जैसा घातक बीमारी आ गई, कैंसर का इलाज नहीं, जहां तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई है, कम से कम वहां तो परमात्मा को याद कर लो कि प्रभु अब जो ये संकट आ गए, ये जो मानसिक बीमारियां हैं, ये तनाव है, ये डिप्रेशन है, ये संसार के झंझट है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। देखो मैंने कल एक मैसेज देखा, कल एक मैंने फेसबुक पर एक चीज देखी, बहुत ही गहरी चीज है मेरे गुरु भाई, मैं शेयर करता हूँ आपसे कि देखो आप सब लोग जो गुरुदेव से जुड़े हो निरंतर आ रहे, इसका मतलब आपके प्रति, गुरु के प्रति आपकी बहुत जिज्ञासा है, इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, बाकी अगर आपको मेरी बातों का असर नहीं होता तो शायद मैं चिल्लाता भी नहीं। तो मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था तो हॉस्पिटल गया, पैसों का बैग भर के 2000 नोट का, रियल स्टोरी है, मैंने फेसबुक पे लाइव आई थी, वीडियो रिकॉर्ड आया था उसका। तो उसने डॉक्टर से, बहुत बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर से कहा कि मेरा इलाज करो, डॉक्टर ने जांच करी, सब जांच करी, एक्सरे लिए, ब्लड टेस्ट किया, वो किया, उसके बाद बोला कि आपकी इस बीमारी का इलाज असंभव है, हमारे मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। तो उसने पैसों का भरा बैग फेंक दिया कि मैंने करोड़ों रुपए मैंने कमाए मेरे जीवन में,
लेकिन आज मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं है, पैसे मेरे काम के, समझ में आया ना। मैं ये नहीं कह रहा पैसों के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन जब हमारा संगठन बनेगा तो पैसा महत्व नहीं रखता। जब हमारे अंदर गुरु जागर हो जाएगा तो पैसा, क्योंकि देखो लकड़ी, एक लकड़ी कुछ नहीं कर पाएगी, लकड़ियों की गठरी होगी ना, उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर ईश्वर खींचा आएगा। आवश्यकता का एहसास कराना पड़ेगा कि ये परमात्मा, अब तुम्हारे बिना ये कार्य असंभव है, अब तुम्हारे बिना ये शांति असंभव है, तुम्हारे बिना ये मुक्ति असंभव है, तुम्हारे बिना मैं इस दलदल से नहीं निकल सकता, अब तुझे जो करना है कर, मुझे पता नहीं, अब मैं तेरी शरण में आया हूँ। और मैं देखो, मैं गुरुदेव को यह भी कहूँ कि मुझे पता है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन तूने गीता में एक बात कही, कम से कम अपने वचन को तो पूरा कर, कि तू जैसा तैसा भी है, राम है कि रावण है कि कंस है कि कृष्ण है, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जब तूने रावण को कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, तूने गलती की, स्वीकार कर ले, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो मैंने इतने बड़े पाप तो नहीं किया, और किए भी है तो तूने रावण तक को भी कहा है, तो तू सबको माफ करता है। तो तूने गीता में साफ कहा कि मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव, अब हम आपकी शरण में आ गए, अब तो देरी आपकी है, आप क्यों इंतजार करवा रहे हो, आप क्यों तड़पा रहे हो, आप क्यों मजाक बना रहे हो, आप क्यों हंसी उड़ा रहे हो। अब हम दुनिया को पूरी तरह छाती ठोक कर कह सके, तो आपको भी तो हमारे पर कृपा करनी पड़ेगी, आप हमें आत्मबल दोगे। आपके देखो, इस प्रकृति में आपकी मर्जी के बिना पता ही नहीं चल सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि, मुझे तो समझ में आ गया जो करता धरता आप हो, तो मुझे भी आपके इस काम में लगाओ, मुझ पर भी आपका आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना करेंगे मेरे भाई, तो ये मिशन आगे बढ़ेगा, और ये मिशन आगे बढ़ेगा तो विश्व में शांति होगी, पूरे संसार में शांति होगी, और इस संसार और हमारे जीवन सफल हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी राजश्री, जय गुरुदेव, जय गुरु। तो इस गुरु पूर्णिमा पे हम गुरुदेव से प्रार्थना करें ये कि हम गुरुदेव के मिशन के लिए भी कुछ करें। जो ओवरऑल जो बात है वो यही है कि एक साथ यूनिटी के साथ कुछ करेंगे तभी होगा। बाकी जब हम मिलेंगे काजलवास में, और जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप मिलें, वो यूनिटी सिंबल जिसकी मैंने बात की है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि एक प्रचार हो कि हम एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सनल गिरे शिकवे भूल के हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी उसमें जुड़ेगा वो आगे प्रचार प्रसार में, डेवलपमेंट में वो सहयोग करे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ अगर कुछ। जिसे भी सत्संग ग्रुप में जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सएप करेगा 8777211139 में। देखिए, सत्संग ग्रुप की जो बात है ना जुड़ने की, वो कोई साधारण व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप जैसे कोई नया शिष्य जुड़ा, उसको आपने सत्संग ग्रुप से जोड़ दिया, वो सत्संग देखे 3 महीने 4 महीने लगातार पहले देखे, उसको किसी काम का लग भी रहा है सत्संग के नहीं लग रहा है, पहले वो सत्संग से जुड़े। व्यक्तियों से जुड़ने से, फेसबुक से जुड़ने से, व्हाट्सएप से जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों, आप अपना समय बर्बाद करोगे, ठीक है। मैंने ग्रुप्स में जुड़ा, 2 साल ग्रुप्स में रहा, मैंने देखा है, ठीक है। जब तक किसी ग्रुप का एक पर्पस नहीं होता तब तक उसका कोई लाभ भी नहीं होता, ठीक है। बिना पर्पस के ग्रुप खुलते हैं सिर्फ जोड़, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है बोल के, उनसे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन ही होती है, मतलब वो कोई सहयोग नहीं। हाँ, फोटो मिल गई आपको, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन सत्संग ग्रुप का जो मकसद है उसमें जो लोग हैं वो कम से कम पिछले 1.5 साल से जो सत्संग देख रहे हैं लगातार रोज़, जो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप एक भी सत्संग मिस करते हो ना तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। हर रोज़ बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, कोई मतलब फालतू बात नहीं कर रहा मैं बैठ के यहाँ पर, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। गुरुदेव की फ़िलॉसफी को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनकी बुक्स को, उनकी स्पीच को, अपने परिवर्तन को हर सत्संग में हम डिस्कस करते हैं। ये सत्संग से हम अपने परिवर्तन को भी देखते आ रहे हैं। जब से हमने शुरू किया है, हमारे अंदर जो भावना थी, जिस तरह का हमारा व्यवहार था, उस व्यवहार का ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने इस सत्संग से देखा। जब हमने शुरू किया था सत्संग तब हम कुछ और थे, आज हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव भी हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है सत्संग, ठीक है। ये कोई टाइम पास नहीं है कि आप किसी ग्रुप में सिर्फ टाइम पास के लिए आ गए कि आपको ये कहानी सुनने मिलेगी, वो कहानी मिलेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली बात तो ये ज़रूरी है कि आप सत्संग से लगातार जुड़ो अगर आपको ग्रुप में आना है तो। दूसरी बात ये कि उस ग्रुप को छोड़ने का मतलब है आप सत्संग छोड़ रहे हो। किसी व्यक्ति विशेष से आप
अपसेट हो या अपने ग्रुप छोड़ दिया, वो सब नहीं चलेगा, उसमें वो सब चीज़ें नहीं चलती। दूसरी बात कि आप किसी व्यक्ति विशेष राजशिप से जुड़ के वो सत्संग में आना चाहते हो तो नहीं आ सकते, ठीक है। कल को आपको मुझसे कोई समस्या हो जाएगी, आप सत्संग छोड़ दोगे तो वो भी नहीं चलेगा। जुड़ना है तो सिर्फ सत्संग से जुड़ो, व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ो। तीसरी बात कि सत्संग में वो व्यक्ति आएंगे जो हृदय से साफ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो जुड़े हुए हैं लगातार, ठीक है। जिनके थोड़ी समस्या है, समस्या का मतलब है समस्या तो हमारे अंदर ही आती है, लेकिन कुछ कुछ नहीं, एक ही व्यक्ति है जिसको सत्संग में एंट्री नहीं मिल सकती, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जिसको नहीं मिल सकती, और उसका बहुत बड़ा कारण है मेरे पास। तो उसको अपनी साधना करनी चाहिए, अपने परिवार की सुननी चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए, अपने पिताजी की सुननी चाहिए, और अपने घर में रह के साधना करनी चाहिए। पहले अपने घर को संभालना ज़रूरी है, पहले अपने घर को संभालो, फिर आप बाहर निकलो। जब आपके घर वाले ही परेशान रहेंगे आपसे तो कोई समस्या, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो आप अपने घर का सत्संग पहले संभालो, अपने ठीक है। मैं अब आप आगे कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, बार बार वो चीज़ रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, ठीक है। जिसके लिए मैसेज है वो समझे, और अपने घर में रहे, अपने माता अपने पिता की सुने, और बस ठीक है। चलो तो यही है, और किसी को 8 बज गए, 1 घंटा हो गया, तो इस सेशन को मैं छोटा ही रखूँगा। छोटा इसलिए रखूँगा कि ये ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, वो टाइम देखते हैं कि चलो 1 घंटे का आया तो हम देख लेते हैं। तो जो बात हमने कहनी थी मैंने कह दी, भगत भाई ने कह दी, तो वही आज का मेन है कि इस गुरु पूर्णिमा पे एक संगठन की तरह, संगठन मतलब कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं करना है, बस आप इकट्ठे आओ, जागृति हो, और आपका सबका दायित्व है, हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सारे जिम्मेदार हैं। इस वो जो बड़ा मंदिर गुरुदेव का बनेगा अद्वैत धाम का, उसकी एक एक ईंट हम सब हैं। वो किसी एक ईंट से एक पत्थर को काट के नहीं बनाया जाएगा, किसी महान चट्टान को काट के नहीं बनाया जाएगा, ऐसी चट्टान हम में से कोई नहीं है। हम वो छोटे छोटे पत्थर हैं, एक एक ईंट है जो लगेगी, और विशाल भव्य अद्वैत धाम बनेगा गुरुदेव का। अद्वैत धाम का मतलब है पहले हम अद्वैतवाद से खुद जुड़े, वो ईंट हम खुद बने, ठीक है। वो बाहर मंदिर दिखने वाला बात की बात है, लेकिन हम वो ईंट बने जो जिसके अंदर अद्वैत हो, तो वो सारे यूनिटी सिंबल में आएंगे ना, तो वो अद्वैत धाम ही होगा। तो पहले उसको धारणा में आने दीजिए, फिर वो साकार रूप में भी आएगा। तो ये प्रार्थना है, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। तो आज का सत्संग जो है श्री गुरु चरणों में यहीं पे रखते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग सुबह सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर कीजिए, नियमित ध्यान से प्रकृति का जो नियम है ना, इसके साथ में आप आ जाओगे, ठीक है। चलिए सुबह मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।